खिलाफ विधायक बने तो ईदगाह चौराहे से चीनी मिल तक जाना मुश्किल। ऐसी इस बात क्या समाजवादी में वोट बैंक मुस्लिम फिसलता दिखाई दे रहा है? इस विधानसभा चुनाव में आप अपनी किससे टक्कर मानना है? बताया तो उसमें मैंने सारी चीजें पढ़ी थी लेकिन उसमें कहीं मुकदमों का जिक्र नहीं था। बने तीन बार मंत्री बने और विधायक भी है। जब विकास की बात होती है तो बाबू तेज बहादुर का नाम क्यों लेते हैं? उस समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। शिक्षा राज्य मंत्री आपको बनाया गया की बात की जाए तो आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उस समय क्या ऐसे काम किए थे? नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट का खास प्रोग्राम शख्सियत देख रहे हैं। शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने छात्र जीवन में वॉलीबॉल खेल के माध्यम से बीसर्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन बार मंत्री रहकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बीसर्प की भी सेवा की थी। अब तक आप समझ गए होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे निश अहमद खान उर्फ फूल बाबू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं मंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं तो लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि आप मंत्री जी से सवाल पूछ पाएंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं, हम लोग जवाबदेही है हम लोग। जी जी मंत्री जी, आपने वर्ष 1989 में राजनीति शुरू की थी पहली बार कांग्रेस के साथ जी। और उसके बाद आप 1990 में आपने बसपा ज्वाइन कर ली, बहुजन समाज पार्टी। एक साल में ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस छोड़कर बसपा में आना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी। हमारी फादर शफी अहमद खान साहब उस समय नगरपालिका के चेयरमैन थे और उसी टाइम थोड़ा कांग्रेस के लोगों ने संपर्क किया था तो हम लोग कांग्रेस में वर्क किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हम लोग इसलिए आए कि यहाँ गरीब, कमज़ोर और छोटे व्यापारी, किसान, इन सब लोगों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी था। जो मैंने ये डिसीज़न लिया कि भाई बीएसपी में रहकर ही इस दबे कुचले लोगों की बात कही जा सकती। अनीश अहमद, अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं और किसका दामन थाम कर आपने राजनीति शुरू की? देखिए, राजनीतिक गुरु तो जनता है, मतदाता है, समाज है, परिवार है, जहाँ से हमें तरबियत मिलती है, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और एक एक आदमी से हम लोगों ने सीखा है, एक एक आदमी से हम लोगों ने सीखा है और तब यहाँ तक हम लोग पहुँचे। 1991 और 1993 में आपने बीएसपी से उम्मीदवार रहे और आपने चुनाव भी लड़े थे, उस समय आप कामयाब नहीं हो पाए थे, ऐसे क्या कारण रहे थे उस समय? राजनीति में आने के बाद में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी तुरंत फ्रंट पे आ जाए। बहुत से लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी फिर नीचे आ जाते हैं। जो ज़मीनी तौर पर, जो बुनियादी तौर पर, जब ज़मीन पर ग्रास रूट पे वर्क करके आदमी पहुंचता है तो वो लंबे समय तक टिकता है। यही वजह है कि आज 30 साल के बाद भी लोग हमें राजनीति में मजबूत देखना चाहते हैं और हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं। 1996 की यदि बात की जाए तो 47,516 मत प्राप्त करके पहली बार विधायक बने थे, फिर यूपी एग्रो के चेयरमैन और राज्य मंत्री भी आप बनाए गए थे। कुछ 6 महीने बाद मायावती की सरकार गिर गई थी तो फिर आप मंत्री रहे थे या क्या? पूरा एक छोटा सा प्रसंग मैं अपनी जनता को सुनाना चाहता हूँ। देखिए, 1996 में किसी के पास बहुमत नहीं आया था, हंग विधानसभा आई थी और हंग विधानसभा में दो दल मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें बहन जी 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनी थी और बहन जी ने 6 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया था तो मैंने भी यूपी एग्रो के चेयरमैन पद से रिज़ाइन कर दिया था। और उसके बाद आपको पता ही है कि वो फिर सत्ता ट्रांसफ़र हुई, दूसरी पार्टी ने, हाँ, कल्याण सिंह जी बने, वो 5 साल तक उन्होंने फिर शासन किया। 2002 की बात की जाए तो बीजेपी के समर्थन से पुनः मायावती जी ने सरकार बना ली थी और फिर आप कृषि शिक्षा राज्य मंत्री आपको बनाया गया। जिले को यदि पीलीभीत जनपद की बात की जाए तो आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उस समय क्या ऐसे काम किए थे? देखिए, वो भी गठबंधन की मजबूरी थी, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हमेशा अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से, जो अपनी आइडियोलॉजी है उससे कभी समझौता नहीं करती हैं। उन्होंने अपने मुद्दों पे पूरी सरकार चलाई और जहाँ तक कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पीलीभीत में कई कृषि मेले लगवाए और एक कृषि विज्ञान केंद्र भी खुलवाया था जिसमें 16 वैज्ञानिक लोगों की हमने यहाँ पर व्यवस्था की थी, जिससे पूरे जिले के किसानों को बहुत राहत मिली थी।
2007 में पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी सरकार बनी थी और उसके बाद आपको अल्पसंख्यक कल्याण हज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। मंत्री जी, पीलीभीत उस समय, यदि पीलीभीत की बात की जाए तो उस समय से कुछ दंत कथाएं शुरू हो गई थी। लोग कहा करते थे कि आपके समय में बीसलपुर में, जैसा कि विपरीत पार्टियां आरोप लगाती रही हैं, जो आपकी विपरीत पार्टियां राजनीतिक हनन करने का प्रयास करती हैं, उन्होंने कई बार कहा कि उस समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। देखिए, कोई भी जब शख्सियत बनती है, कोई भी जब आदमी इम्पोर्टेंट होता है, पूरी जिंदगी एक व्यक्ति अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को मेंटेन रखने के लिए बहुत कुछ काम करता है। लेकिन समाज एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी बेटे के नाम पर, कभी भतीजे के नाम पर, कभी परिवार के और लोगों के नाम पर, कभी कार्यकर्ता के नाम पर आदमी उस मुख्य शख्सियत तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर वो होता है कि भाई इनके आदमी है, इनका ये है, तो इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन हमारी नीति, हमारा प्लान हमेशा यही रहा है कि हम सबको लेके चले हैं और हम लोगों ने इसीलिए इस पार्टी को चुना कि गुंडागर्दी को ना हम पहले पसंद करते थे ना आज पसंद उसको करते थे। 2012 में आपका बीएसपी से टिकट कट गया था, कुछ नाराजगियां रही थी उस बीच, ऐसी क्या कारण रहे थे? ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, बहन जी नेता है, तमाम पार्टियों में ऐसा होता है, बीजेपी में भी होता है, बीएसपी में भी होता है, सपा में भी होता है, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। समय समय पर लोग अपने दल को छोड़ते भी हैं और समय समय पर पार्टी भी अपने चेंज कैंडिडेट्स को चेंज करती है, तो कुछ वजह रही होगी जिसका हमने जानने की कोशिश नहीं किया। मंत्री जी, एक बार फिर आप उसमें शामिल हो गए थे बहुजन समाज पार्टी में चुनाव के बाद, फिर एक बार फिर यही हुआ था 14 दिसंबर 2015 को एक ऐसा फरमान जारी हो गया कि उन्होंने, जो हरिराम गौतम थे पीलीभीत के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप अनुशासनहीनता में लिप्त थे, उन्होंने कहा कि आप मतलब पार्टी विरोधी गतिविधियां पाई गई, फिर आपको हटाया गया था। फिर 2 साल बाद आपने चुनाव के बाद में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और फिर एक पार्टी के नेता पर आप जमकर बरसे थे। देखिए, राजनीति में ये सब चलता रहता है, बहुत सी चीज़ें अनर्गल भी कही जाती हैं, यही लोकतंत्र है कि एक पक्ष और विपक्ष हर पार्टी में होता है। तो कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भ्रामक टाइप की, जो बुनियादी तौर पे नहीं थी, वो बहन जी के शेयर की और बहन जी ने उनका संज्ञान ले लिया, उसके बाद मेरा टिकट काट दिया था। लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें सब खत्म हुई और उन्हें लगा बहन जी को कि ये सब चीज़ें गलत थीं और गलत लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए थे, तो फिर हम लोगों के रिश्ते ठीक हो गए थे, तो फिर हम लोग बैक हो गए थे। 2007 से 2012 के बीच लौटना चाहेंगे और एक जो आरोप अक्सर जिसको लेकर सबको धमकाया जाता है, डराया जाता है, आपके नाम से कहा जाता है कि यदि आप विधायक बने तो एक कहा चौराहे से चीनी मिल तक जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे देखिए सही बात यह है कि ये वही लोग बात करते हैं जो राजनीति में जनता के साथ में नहीं खड़े। आपने देखा होगा, अभी हम रक्षा मंत्री जी अभी पीलीभीत में आए थे, तो ना तो उन्होंने महंगाई पे कोई चर्चा किया, ना उन्होंने बेरोजगारी पे कोई चर्चा किया, ना उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पे कोई चर्चा किया। जो बातें की हैं वो ऐसी बातें की हैं जो बिल्कुल उससे जनता का कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। ऐसे ही बीजेपी के जो रामसन वर्मा जी यहाँ पर हैं, उन्होंने जितने भी चुनाव यहाँ लड़े हैं कभी काम पर वो चुनाव जीते ही नहीं, यही सब खुराफात करके जीते। जहाँ तक ईदगाह चौराहे का सवाल है, ईदगाह चौराहे की खूबसूरती ये है, यहाँ 90% मुस्लिम दुकानदार हैं और 90% ग्राहक वहाँ हिंदू भाई हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होगा तो किस मुसलमान की दुकान पे कौन खरीदेगा सामान और कौन रुकेगा वहाँ। तो ये गंगा जमनी तहजीब है, जैसे हमारा रामलीला है वैसे ईदगाह चौराहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संगम है और इस संगम को हम लोग और मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब वही लोग बात करते हैं जो हकीकत 1996 से 2012 तक आप 3 बार मंत्री बने और विधायक भी हैं, लेकिन मंत्री जी जब विकास की बात होती है तो बाबू तेज बहादुर का नाम भी लेते हैं। देखिए, बाबू तेज बहादुर एक बड़ी शख्सियत थे और हम लोग उन्हीं के सपोर्टर थे, हमारे फादर उन्हीं के सपोर्टर थे,
और बाबू तेज बहादुर जी के ज़माने में जो इस क्षेत्र का विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे चीनी मिल है, चाहे डिग्री कॉलेज है, डाइट है, दोहा का पुल है। लेकिन जहाँ तक आप मेरी विकास की बात करेंगे तो आप अमेड़ी नदी का पुल जो 85 गांव को जोड़ता है वो हम लोगों ने बनवाया, 132 का जो यहाँ सब स्टेशन बिजली का है, डबल फीडर बरेली से आ गया, लाइट की समस्या ख़त्म हो गई, एक आपका मुंसिफ कोर्ट है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, और भी तमाम पुल हैं, बरेली पिलवी शाहजहानपुर और बिलसंडा के हॉट मिक्स रोड हैं, और बड़े पैमाने पर बिलसंडा में हम लोगों ने संपर्क मार्गों को बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा काम किया कि गरीबों का जो मेहनत की कमाई थी वो गरीबों पे खर्च हुई, ना कि थाने और तहसीलों में उनकी लुटाई हुई। जैसा आज 5 सालों में बीजेपी की सरकार में जो लूट खसोट रही है, इतनी बड़ी कभी भी भ्रष्टाचार नहीं था। जैसे बड़े पैमाने पर लोगों के साथ में झूठे मुकदमों में यहाँ के विधायक ने जेल भिजवाया, जिसने उनकी बात नहीं मानी उसके खिलाफ कार्रवाई कराना, जांच कराना। अभी अंकुर गुप्ता हैं एक जो आरबीएल वाले हैं, उनके प्रिंसिपल को झूठा मुकदमे में जेल भेज दिया, उसके अंकुर के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। एक विनोद राठौर हैं पमरोली में, अंचल शुक्ला जी के यहाँ उस दिन बैठे थे तो बता रहे थे कि इनके खेत में ईख में भट्टी निकल आई शराब की, और उस भट्टी को ये कहा कि तुम भट्टी चला रहे हो, वो शरीफ आदमी, उसे भट्टी में जेल भेज दिया, उसकी लाइफ को ख़राब कर दिया। तो इस बीसलपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में अनजस्ट हुआ है, और बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही यहाँ के जो विवेक हैं इनके द्वारा की गई है, और जनता इसका सबक इस चुनाव में 2022 में सिखाएगी। इन लोग जो मौजूदा विधायक हैं रामशरण वर्मा, वो विकास को लेकर लगातार दावे करते हैं, आपने उनके कई भाषण सुने होंगे जिसमें उन्होंने कहा मैंने 1 दर्जन पुल और सड़कें देने का काम किया जो आज तक नहीं हुआ। देखिए आप 10 साल से विधायक हैं, इससे पहले के विधायक हैं, सड़कें तो आमतौर पर सरकार का बजट होता है, पुल का बजट होता ही है, लेकिन ये बताओ ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो कोई यूनिवर्सिटी के नाम पर, कोई एक कॉलेज के नाम पर कोई ऐसा काम किया हो जिसको वो कह सके, जो हम लोगों ने मुख्य तौर पे जैसे अभी आपको बताया मैंने, मुंसिफ कोर्ट है, 132 का है, सड़कें पिलवीर बड़ी हार्ड मिक्स की हैं, तो ये सब इन लोगों के टाइम में विकास नहीं हुआ है, शोषण हुआ है लोगों साहब। अभी नामांकन कराया तो उसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन उसमें कहीं मुकदमों का जिक्र नहीं था। ऐसा है, हम लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और हम लोग क्लीन हैं, एक भी मुकदमा पूरे उत्तर प्रदेश में भारत के किसी न्यायालय में किसी कोर्ट में हमारे खिलाफ नहीं है, और हम लोग बहुत ही सादगी के साथ में राजनीति करते हैं। आप ये भी जानते हैं हमारे विधानसभा में बहुत मुस्लिम कम है, और यहाँ का हमारा हिंदू भाई बड़े पैमाने पर हमको वोट देता है, एक हिस्सा अगर मुस्लिम देता है तो 2 हिस्से वोट में हिंदू समाज का मिलता है, तब हम ये चुनाव जीतते हैं और वही हमको जिताते हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार आप बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी, कैसे तैयारियां चल रही और किस तरह से तैयारियां? ऐसा है, हम लोगों की तैयारियां बहुत पहले से हैं, ग्रास रूट पे हैं, हमारा एक एक वर्कर कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है, और हम लोग पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं, और हर वर्ग हर समाज का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, और आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, निजात चाहते हैं, पब्लिक डरी हुई है, लोगों में डर है, और जो बीजेपी के विधायक 10 साल रहे इन्होंने लोगों को बहुत डराया है, बहुत लोगों को धमकाया है, तो उस डर के माहौल से लोगों को निकालना है हमें, और लोगों के अंदर अगर विधायक का डर रहेगा तो इससे ज़्यादा ख़राब कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में विधायक ही उसकी ताकत होती है, और विधायक तो कड़ी है, प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है, उसको बहुत मजबूती से काम करना चाहिए और दोनों लोगों का सम्मान रखते हुए काम करना चाहिए, वो भी प्रशासन के लोग भी हमारे हैं और जनता भी हमारी है। अगर अच्छा नुमाइंदा है, अच्छा विधायक है, तो बहुत ज़्यादा प्रशासन भी रिलैक्स रहता है, पब्लिक का भी बात कामों का समाधान होता है। इस विधानसभा चुनाव में आप अपनी किससे टक्कर मानते हैं? इस चुनाव में मेरी किसी से टक्कर नहीं है, सपा और भाजपा दोनों आपस में दूसरे नंबर पर आने की बात करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं और 1 लाख के ऊपर हम लोगों का वोट पड़ेगा, और ये लोग 50-55 का आंकड़ा भी पूरा नहीं करेंगे सेकंड नंबर वाले लोग। हर बार वोटों का ध्रुवीकरण होता है विधानसभा में, क्या आपको लगता है इस बार? सही बात यह है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्रुवीकरण हो नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है किसी कम पार्टी का और वही कमज़ोर हो जाए तो उसका हम इलाज क्या कर सकते हैं, लेकिन अब के उसका भी कोई असर नहीं क्षेत्र पर पड़ेगा, चूँकि आज आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, गांव-गांव में
लोग परेशान हैं, रात रात भर खेत अब पे जाकर अपनी फसल लगा रहे हैं, उनकी जान का भी खतरा है, घर वाले भी रात को जागते हैं, तो परिवार पूरे डिस्टर्ब हैं, सेहत लोगों की ख़राब हो रही है, बहुत मौतें हो चुकी हैं आवारा जानवरों से। तो जहाँ तक धान गेहूँ का सवाल है तो लूट गया है किसान। आज जो बीजेपी की सरकार चल रही है निश्चित रूप से उद्योगपति से चला रहे हैं और उद्योगपति बीजेपी की सरकार में मजबूत हो रही है, तो निश्चित रूप से आज जो किसान है उसकी जेब खाली है। एक तरफ 2,000 रुपया उसकी जेब में डाला जा रहा है तो दूसरी जेब से 10,000 रुपया उसकी जेब से निकाला भी जा रहा है। पेट्रोल के दामों की चर्चा करते थे, कहाँ पेट्रोल का दाम पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, और ये आपका जो सिलेंडर है उसका रेट जस्ट डबल हो गया, और आप सरसों का तेल ले लीजिए, खाद्यान्न चीज़ें ले लीजिए, सब पे महंगाई बढ़ गई है, आपका भी बजट गड़बड़ा रहा होगा, इसलिए सभी लोगों के साथ में परेशानी है। लोग अपना एडजस्ट कर रहे हैं, सेहत लोग ख़राब हो रही है, और आवारा जानवर बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन किसी एक मुद्दे पे बीजेपी बोलने को तैयार नहीं। धन्यवाद देते हैं आप जैसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों का, कम से कम हकीकत को आप लोगों से जनता से रूबरू करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है कि आपका वोट बैंक सबसे अधिक मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, वैसे आप कहते हैं हिंदू वोट बैंक भी आपका बराबर का है, लेकिन इस बार क्या समाजवादी में वोट बैंक मुस्लिम फिसलता दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, देखिए सही बात यह है, सारी बिरादरी या सारी कौमों का एक जहाँ वोट कभी नहीं जाता जी। तो आप ये कहें कि भाई सब मुझे मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है, 10-5% वोट तो कटता ही, हर चुनाव मेरे कटता है, तो अब हम कोशिश करेंगे वो भी ना कटे, और दूसरी पार्टी कोशिश करेगी भाई हमें ज़्यादा वोट मिले, लेकिन ऐसे तो कुर्मी समाज का वोट भी, किसान बिरादरी का वोट भी, जिनके कैंडिडेट लड़ते हैं वो भी हमें मिलता है, और इस चुनाव में बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये राजनीति में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब बिरादरी का सबको वोट मिलता है। अंतिम सवाल हमारा ये था, इस बार बीसलपुर विधानसभा में आपके क्या मुद्दे रहे? देखिए मुद्दे तो ये है कि पूरे विधानसभा में 10 साल से जो विधायक जी यहाँ पे थे उनकी कार्यशैली को लेकर पूरा क्षेत्र जानता है, तो स्थिति यह है कि विकास तो 10 साल से यहाँ रुका हुआ है, लेकिन हमें नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी और क्षेत्र की जनता की जो रिक्वायरमेंट होगी उस मेरिट को ध्यान में रखकर हम लोग इस क्षेत्र का विकास कराएंगे, वर्क करेंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो सड़कों का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो सड़कें नहीं बनाने की बात हो, जो जो चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर हो, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग प्लानिंग करेंगे क्षेत्र की जनता से बात करके, उसके बाद जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी उनको हम लोग करेंगे और मेरिट पे जो चीज़ें होंगी उनको पहले लेंगे हम लोग। धन्यवाद। इतने हमारे साथ पूर्व मंत्री अनीश अहमद खां फुलबाबू बीसलपुर विधानसभा से, इस बार बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत पहुंचे थे, उन पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि पीलीभीत आए लेकिन उन्होंने महंगाई, रोजगार एवं जो भ्रष्टाचार है उस पर कोई बात नहीं की, कानून व्यवस्था पर कोई बात नहीं की। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम अन्य शख्सियतों से मिलते रहेंगे। मंत्री जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद।